ये सोलह 735 है, इसका हमें क्लॉज का जॉब करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका पहले हम क्लॉज खोलेंगे, तो मैं इसको दो पार्ट करके आपको दिखाऊंगा इसका प्रॉब्लम क्या है। इसका प्रॉब्लम ये था कि ये क्लॉज ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने सारे राउंडिंग का बोल्ट खुल चुके हैं। अब दो पार्ट करेंगे, तो हमने गाड़ी का दो पार्ट कर चुके हैं, देख सकते हैं उसका प्रेशर प्लेट का हालत क्या है। अब क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा कि इसकी वजह क्या है और क्यों टूटा ये, तो मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाऊंगा पूरी प्रॉब्लम इसमें क्या हुआ था। तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को हमने खोल के बाहर की तरफ निकल चुके हैं, अब मैं दिखाऊंगा आपको इसका प्रॉब्लम क्या है। तो देख सकते हैं आप इसका प्रेशर प्लेट का हालत क्या है और क्लच प्लेट भी जल चुका है। इसका रिलीज बेयरिंग टूटने के वजह से ही ये प्रेशर प्लेट का फिंगर को तोड़ा है, तो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्लॉज हाउसिंग का हमने साफ सफाई कर रहे हैं, उसका पार्ट्स भी लेने के लिए जाना पड़ेगा, वहीं पास में एक शॉप है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, लाइक करना भूलना मत। तो हमने इसका क्लॉज प्लेट और प्रेशर प्लेट और रिलीज बेयरिंग तीनों हमने लेकर आ चुके हैं गाड़ी के पास, तो आगे मैं दिखाता हूँ आपको इसका फिटिंग कैसे होता है। तो आप देख रहे होंगे हमने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को फ्लाईव्हील में टाइट कर रहे हैं लगा के, और इसका क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट सेट करके भी हम लगाएंगे। तो ये जो सॉकेट देख रहे हैं उसके बीचों बीच में ही रहेगा, और ये 13 नंबर का बोल्ट लगता है यहाँ पर प्रेशर प्लेट में, जो हमारा लड़का टाइट कर रहा है देख रहे होंगे। और इसका रिलीज बेयरिंग भी लगा रहे हैं, देख सकते हैं आप कैसे लगाते हैं। तो हमने क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट और रिलीज बेयरिंग सारे हमने गाड़ी में फिट कर चुके हैं, अब इसका जॉइंट लगाना बाकी है। सब कुछ नया सामान फिट हो चुका है गाड़ी में, अब हम इसका जॉइंट लगाएंगे। तो हमने जॉइंट भी लगा दी है, अब देख सकते हैं 17 नंबर बोल्ट राउंडिंग का जो हमने टाइट कर रहे हैं, और इसका पाइप वगैरह भी सारे फिट करके मैं आपको दिखाऊंगा। जिस चीज़ का हमने जॉब की है उसकी सफलता हमें मिली या नहीं मिली, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम में दिखाऊंगा। तो हमने सारे फिट कर चुके हैं, अब मैं दिखाऊंगा आपको पैडल कितना लूज रहना चाहिए। तो देख सकते हैं क्लच पैडल कितना लूज होना चाहिए, अगर लूज नहीं होगा तो फिर से क्लच प्लेट जल जाएगा और गाड़ी खींचना कम हो जाएगा। तो छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाएंगे, उसका सफलता हमें मिली या नहीं मिली वो देख सकते हैं। गियर में कितना आराम से शिफ्ट हो रहा है, पहले जैसे नहीं है। अब गियर का